इसका ये पपी है और वो है शिल्पी। अच्छा, देख सुन, मैं डॉग लवर हूँ, तू डॉग है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर न्यू ब्लॉग। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं अभी कहाँ पर आया हुआ हूँ, तो मैं बता देता हूँ, मैं आया हुआ हूँ गांव मेरे भाई के पास में। उसके पास में दो जर्मन शेफर्ड्स हैं और बाकी दो पपीज़ भी हैं। तो एक्चुअल मैं ना किसी काम से आया था गांव, तो मैंने सोचा कि चलो उसके पास भी चलते हुए आते हैं। तो चलो चलते हैं और आपको बच्चों से भी मिलाता हूँ और उन डॉग से भी मिलाता हूँ। देखो बात करने की आवाज़ आ रही है, बहुत एग्रेसिव हो चुका है यार। पहले जब मैं आया था ना, जब बिल्कुल एग्रेसिव नहीं था। और ये देखो छोटा सा पपी लेके आ ही चुका है। पहले पपी दिखाता हूँ, बहुत प्यारा पपी है यार। सकते हो, बब्बर शेर जैसी लग रही है यार ये पपी तो। यार इतनी मस्त कैसे हो गई है और इतनी मोटी ताजी कैसे हो रही है? क्या खिला रहा है इसको अभी भाई? बहुत ही सही लग रही है यार, देख सकते हो। ये वीडियो में आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रही, मतलब ऐसा पता नहीं चल रहा होगा, बट ये रियल में बहुत क्यूट सी बच्ची है। बहुत क्यूट बच्ची लग रही है ये सही में। वाओ यार, अप्रॉक्स 2 मंथ्स की हो चुकी है। नहीं, देख सकते हो कितनी प्यारी बच्ची है। मैं आपको ना इसके भाई से भी मिलवाऊंगा अभी, वो मीडियम कोट में है और ये अपनी डबल कोट वाली बच्ची है। यार ये चलने में, इसकी चाल में पता चल रहा है कितनी खतरनाक बनने वाली है बड़ी हो गए, है ना स्वीटी? जेनी, जिनी। वाले हैं शेरू से मिले, बंदावा है ना भाई वो। भाई मेरे को सही में डर लगता है आजकल, वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहा है। ये देख लो शेरू भौंक, तो शूशु मत करवा उसको भाई। शेरू शिल्पी, शेरू एंड शिल्पी। ये है हमारे शेरू जिसका ये पपी है और वो है शिल्पी। अच्छा, देख सुन, मैं डॉग लवर हूँ, तू डॉग है। यार शेरू, यार ये गलत बात है यार। मैं तो भाईचारे में आया हूँ और तू भैंस की मेरे साथ में ऐसी हरकतें करेगा? खोलने की मत सोचना इसको। यार एग्रेसिव हो रही है, हो रहा है यार ये तो। बहुत इतना क्यों, इतना क्यों? अरे इतनी जरूरत ही नहीं है। इतनी जरूरत, अरे मेरे भाई इतनी जरूरत नहीं है ना यार बार करने की। वहां पर शिल्पी को देख सकते हो, शिल्पी बड़ी प्यारी है यार। वो चुपचाप से अपनी चुप रहती है, वो बहुत अच्छी है। और ये बड़ा एग्रेसिव है, ये बहुत एग्रेसिव हो रहा है आजकल। मैं जब बचपन, ए ए भैया 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 दूर आ जाओ आप, खोलने की मत सोचना। नहीं नहीं खोल रहा, नहीं खोल रहा यार, खोलूंगा तोड़ना। तो शेरू तो तेरा दो सेरा शेरू है, वो मेरा शेरू थोड़ना है, लड्डू थोड़ना है। वो लड्डू जैसा नहीं होता हर डॉग जो सबके साथ फ्रेंडली हो जाए। ये एक्चुअल में फार्म साइड पे रहते हैं ना, तो इनको एग्रेसिव रहना जरूरी है। अगर ये एग्रेसिव नहीं होंगे ना, तो फिर कोई मतलब नहीं है ना इनका होने का। क्योंकि यहाँ पर यार रात रात, ये देखो फार्म्स वगैरह है, तो यहाँ पे एक एग्रेसिव डॉग होना जरूरी है ना। शेरू तू कितना अच्छा था यार पहले, कितना प्यारा था। देख फिर वही बात है, पहले कितना अच्छा था, कितना सीधा था। और वो देखो एक और आया हमारा मीडियम कोट शेरू, ये भी शेरू का बेटा है और वो शेरू की बेटी है। सही है भाई, सही है, सही है यार। साइज वाइज अच्छा जा रहा है इनका वैसे, पता है। लंबाई बढ़ने लग गई है इनकी यार, लंबाई भी बढ़ रही है, चौड़ाई भी बढ़ रही है, तो थोड़े पतले भी होंगे। अच्छा मैं ये कह रहा था यार, ये दोनों में से कोई भी बच्चा अगर किसी को भी चाहिए हो ना, तो कांटेक्ट कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। जयपुर अजमेर डिलीवरी नॉट पॉसिबल, ठीक है? जयपुर आके या फिर अजमेर आके आपको लेने पड़ेंगे बच्चे, ठीक है? बच्चों का प्राइस बहुत ही कम है, उस वाले मेल पपी का प्राइस थोड़ा कम ही है। तो क्या कह रहे हैं, मेल को देख सकते हो यार, ये बहुत ऊंचा है, बहुत ह्यूज इन साइज है, लड्डू से भी बड़ा है यार ये, थोड़ा 1-2 इंच लड्डू से बड़ा है। और देख सकते हो फीमेल भी बहुत अच्छी है। तो वो वाला पपी अगर किसी को चाहिए हो ना, तो कांटेक्ट कर लेना, बड़ा ही नॉर्मल प्राइस के अंदर मिल रहा है, ले सकते हो। फीमेल किसी को चाहिए हो डबल कोट लॉन्ग कोट में, तो भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ये थोड़ी सी ज़्यादा है प्राइस में, वो कम है कंपेरेटिवली, वो मेल है और ये फीमेल है, उसका प्राइस थोड़ा कम है, ठीक है? तो कॉन्टेक्ट कर लेना। ये देखो, ये पहले एग्रेसिव नहीं था यार, पहले कितना सीधा था, ये अब एग्रेसिव हो गया है। चलो ठीक है, आज की वीडियो से इतना सा, इतना छोटा सा व्लॉग बनाना था। मैं आया था गांव, तो मैंने सोचा चलो मिलके आ जाते हैं दोनों से।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नंबर है, पपीज चाहिए हो तो कांटेक्ट कर लेना, डिलीवरी नॉट पॉसिबल, आके पपी लेने पड़ेंगे आपको अजमेर या फिर जयपुर, बहुत ही कम प्राइस के अंदर पपी है, ठीक है। और यार बच्चे प्लीज़ कॉल ना करा करिए यार, छोटे बच्चे फ़ोन करते हैं ना यार भाई, सही में फ़ोन उठाने का मन नहीं करता यार, जो जेन्युइन लोग होते हैं ना उनके भी कॉल नहीं उठा पाते यार, छोटे छोटे बच्चे कॉल करते हैं, तो यार प्लीज़ यार बच्चों प्लीज़ यार कॉल मत करना, ठीक है। अगर लेना हो किसी को तो ही कॉल करना, और इस वीडियो पर 200 लाइक करवा देना यार भाई के लिए, 200 तो करवा ही सकते हो ना, इतना तो बनता है यार, मेरा इतनी दूर आया हूँ मैं। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।